तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में जो कि है अपना हर शब्द। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में ना मैं वर्सेस बैटल करवाने वाला हूँ, ना मैं कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ अल्ट्रा वेजिटो की कॉमिक के बारे में। तो अल्ट्रा वेजिटो की जो कॉमिक है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, और आज मैं उस कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उस कॉमिक में बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि उस कॉमिक में क्या क्या था, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा एंड कुछ हिडन डिटेल्स बताऊंगा, और बताऊंगा कि अल्ट्रा वेजिटो की कॉमिक में आगे क्या क्या हो सकता है। बिकॉज कोई टॉपिक नहीं था बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो यही बना देते हैं। तो सुनो, हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज गाइस। आपके लाइक से बहुत भला हो जाएगा, और अपना कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। शुरू करते हैं। तो गाइस, अब तक जो अल्ट्रा वेजिटो की कॉमिक में हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये कॉमिक मेरी जो सोच से ना बहुत परे निकल गई है। मतलब फाइव स्ट्रॉन्गेस्ट बींग्स आना यहाँ तो गाइस। और गाइस, जो अपनी मेरे को अल्ट्रा वेजिटो की कॉमिक की सबसे अच्छी बात लगी, वो थी उसकी बू की पावर को एब्जॉर्ब करना। जब उसने बू की पावर को एब्जॉर्ब किया ना, माशाल्लाह, मतलब शिवजी भगवान की कसम, गॉड की कसम, यार मैं भगवानों का नाम कहाँ से ले रहा हूँ, गॉड की कसम, कसम से यार बहुत मज़ा आया। बिकॉज उसमें ना, और गाइस जो अब तक के जो नए कॉमिक पार्ट चल रहे हैं जिसमें अल्ट्रा वेजिटो जो है वो एक टोटल डीमन बन जाता है, माय गॉड, कसम से बहुत ज़्यादा बैडस लगता है। उसके जो दो हॉर्न आते हैं एंड उसकी डीमन सियन फॉर्म है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया। अगर आप कहोगे तो मैं इस अपनी वेजिटो की डीमन सियन फॉर्म को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हाँ, तो गाइस इसमें जो करेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो थे जो दो करेक्टर जो मेरे सामने आए, वो थे गट्स और अपने मादारा। तो गाइस जो मादारा करेक्टर है उसको मैं आपको बताता हूँ, पहले गट्स के बारे में सुनो। गट्स जो है वो बोलते थे ना पांच स्ट्रॉन्गेस्ट बनते हैं मल्टीवर्स में, उसमें से एक है, सबसे कमज़ोर जो है, मतलब उन पांच स्ट्रॉन्गेस्ट में से वो अपना गट्स है। एंड गट्स ने अपने वेजिटो के साथ काफ़ी अजीब फाइट की थी। उसके पास है ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है, जो कि अपने वेजिटो के पास है। गट्स जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल तो मुझे नहीं लगा, बट अभी भी गट्स जिंदा है। वेजिटो ने उसे मार दिया था, पर अभी भी गट्स जिंदा है, और अब मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, हाँ, पर गट्स अभी भी जिंदा है। वहाँ गाइस दूसरे की बात करें, दूसरा है मदारा। मदारा का तो मैं क्या बात करूँ, मदारा जो है, गट्स जो है ना, वो मदारा का स्टूडेंट है, पर वेजिटो ने मदारा को भी नहीं छोड़ा है। अगर डीमन सेन फॉर्म वेजिटो की नहीं आती ना, तो आई थिंक मदारा वेजिटो को तबाह कर देता। उस मदारा कितना ज़्यादा ओपी है, उस मदारा को तो, मदारा को टोटली कॉपी किया गया है नारुतो से। यस गाइस, उसका शारिंगान, इज़ानागी, यहाँ तक कि उसका सुसानो, अगर मुझे लगता है आगे चल के वेजिटो भी उसका सुसानो इस्तेमाल करेगा, मुझसे शर्त लगा लो वेजिटो उसका सुसानो इस्तेमाल करेगा। एंड मदारा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब देखने वाली बात यह है कि वो तीन स्ट्रॉन्गेस्ट में तो एक तो अपना ग्रैंड प्रिस्ट आ गया, अब दो कौन आते हैं वो। और गाइस, अगर अपना जो वेजिटो है वो इन सबको डिफीट करते जा रहा है, तो आई थिंक वो आगे चल के अपने ग्रैंड प्रिस्ट को भी डिफीट करेगा। और जब ग्रैंड प्रिस्ट को डिफीट करेगा, तो उसकी कौन सी नई फॉर्म आएगी, ये देखने के लिए हम बहुत बेताब है। तो गाइस, जब अपने वेजिटो ने शुरू किया था ना, तब उसके पास क्या था, सिंपल एक फॉर्म। अब उसके पास क्या है, एंड्रॉइड का हाथ है, सेल की पावर है, बू की पावर है, अब एक नई डीमन फॉर्म है, और दो हॉर्न है, जिससे कितना ज़्यादा वो पावरफुल बन जाता है यार, कितना ज़्यादा ओपी बन जाता है। अब आपको मैं इसकी ट्विस्ट बताऊं कि आगे चल के क्या क्या हो सकता है अल्ट्रा वेजिटो की कॉमिक में। तो आई थिंक सबसे पहला जो होगा वो होगा ग्रैंड प्रिस्ट की हमको कोई फॉर्म दिखाई जाएगी। यस, ग्रैंड प्रिस्ट की हमको कोई फॉर्म तो दिखाई ही जाएगी। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी ट्रू फॉर्म को इस्तेमाल करे, और अगर वेजिटो ने कुछ भी करके ग्रैंड प्रिस्ट को डिफीट कर लिया, तो क्या अपना जो वेजिटो है वो ज़ेनो को डिफीट कर पाएगा क्या, कि ज़ेनो अपनी ट्रू फॉर्म दिखाएगा जब अपने बच्चे की फॉर्म में ले रहे। और अगर ज़ेनो चाहे तो वो वेजिटो को डिफीट कर सकता है, वेजिटो को इरेज कर सकता है, तो वो कर क्यों नहीं रहा है। सो आई थिंक अभी तक ज़ेनो को वेजिटो को देखने में मज़ा आ रहा है, वो वेजिटो की फाइट्स को इंजॉय कर रहा है। अगर अपने कॉमिक पढ़े होगी तो उसमें ज़ेनो के एक्सप्रेशन खुशी वाले हैं, वो कह रहा है गोकू कितना अच्छा लड़ रहा है, मतलब उसे इंजॉय कर रहा है। अगर अभी ज़ेनो गुस्से में आएगा, तो आई थिंक वो उसे डिफीट कर सकता है, बिकॉज आपने देखा होगा कि गॉड डिस्ट्रक्शन वेजिटो को इरेज नहीं कर पा रहे, ना ही एंजल्स कर पा रहे हैं, ना ही ग्रैंड प्रिस्ट कर पा रहा है, बिकॉज वो उसकी पकड़ में नहीं है। सो आई थिंक ज़ेनो भी वेजिटो को इरेज नहीं कर सकता है। तो आगे चल के को होगा, आई थिंक वो और करेक्टर्स बीच में ऐड कर रहे हैं। आई थिंक वो मतलब जो अपने कॉल में ARJ है ना, वो अब इस कॉमिक को बहुत लंबा खींच रहा है, बहुत में बीच में अलग अलग करेक्टर्स ऐड कर रहा है। अगर वो चाहे तो अभी स्टोरी को खत्म कर सकता है ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो को मरवा के। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। तो बस आज की वीडियो देते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।